जय श्री राम सभी भाइयों को। दोस्तों, हमारी एक बहन, हमारी एक शेरनी बहन पायल रोहतगी, जिसको आप लोग सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज पायल रोहतगी सर्च करें, उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, उनको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो अपने धर्म के लिए और सच का साथ देती है। सबसे बड़ी बात तो वो अपने धर्म के लिए स्टैंड लेती है, और दूसरी बात सच का साथ देती है। ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ पे गलत है उसका भी वो साथ देगी, नहीं, जो चीज गलत है उसको कंडेम करती है और जो सच है उसके उसके लिए लड़ती है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को पायल रोहतगी, जो हमारी बहन है, हमारी सिस्टर है, उनमें पसंद आई कि वो अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रही है। तो पायल रोहतगी जी, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जो दो चार अपने जो दूसरे किस्म के घटिया किस्म के लोग हैं वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप उनकी टेंशन ना लें, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते रहते हैं। अभी मैंने देखा कि आपके खिलाफ दो चार लोगों ने वीडियो बनाई है, बट आप लोग स्टैंडर्ड देखिए, पायल रोहतगी जी कैसे लॉजिकली और सेंसिटिव, लॉजिकली एंड सेंसिटिव बात करती है, कभी किसी को गाली नहीं निकाली और लॉजिक के बिहा पे वो बात करती है। बट वो बोलते हैं ना कि एक औरत में और वैश्या में क्या फर्क होता है, एक औरत में और वैश्या में क्या फर्क होता है, औरत है हमारी बहन पायल रोहतगी, और जो वैश्या है, हमारे हिंदुस्तान की वैश्या है, वो उनको रिप्लाई करी और उनके रिप्लाई करने का आप स्टैंडर्ड देखिए, उससे पता चलता है कि उनकी माँ कितनी बड़ी कोठे की रानी थी, वो कितनी बड़ी कोठे की महारानी बनना चाहती है, जो उसकी औलाद होगी वो भी एक कोठे की रंडी बनना उसको कोठे की रंडी बनाएंगे, जो उसके बाप है वो अपनी बहन बेटियों बीवी सबकी दलाली करके पैसा खाते हैं, वो उनकी भाषा से अपना पता चलता है, स्टैंडर्ड पता चलता है हमारे सनातन धर्म की, और उनमें पता चलता है कि हर बात पे गाली, हर बात पे ये होता है। ये नहीं है कि गाली, जो गाली दे वो बुरा होता है, कि मानो इंसान को गुस्सा है या कुछ है तो गाली निकल आती है, बट एक औरत और वो भी ऐसे मजहब की बुरके वाली, अब क्या बोलूं मैं वही तो आप लोगों को समझा रहा हूं कि एक रंडी में, एक रंडी खानदान में और एक अच्छे खानदान में क्या फर्क है, वो देख के अपने आप पता चलता है। मेरी बहन, हिंदुस्तानियों की बहन पायल रोहतगी जी सच के लिए स्टैंड ले रही है, अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रही है, अपने धर्म के लिए बोल रही है, और उनके बोलने का तरीका देखो कितने सेंसिटिव और लॉजिक के बेस पे वो बात करती है, और जो उनके खिलाफ है वो देखिए वो क्या बोलते हैं, उनका लॉजिक पे तो कोई 1% भी ऐसी कोई बात ही नहीं जो लॉजिक के बेस पे होगी, बस गालियां ऐसी है वैसी है, स्टैंडर्ड पता चलता है ना कि उनका स्टैंडर्ड कहाँ है और उनका स्टैंडर्ड कहाँ है। मेरी ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग पाए रोहतगी, जो कि हमारे लिए, हम सब हिंदुओं के लिए स्टैंड ले रही है, कम से कम हम उनके लिए इतना कर सकते हैं कि उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोगों को भी अपने धर्म के बारे में पता चले। तो बस यही मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि पायल रोहतगी के खिलाफ इतने सारे लोग खड़े हो रहे हैं, तो वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, इस पे लोग बोलेंगे क्यों वीडियो बनाई है। तो मेरा सिर्फ यही एक इशू है कि जो हमारे धर्म के लिए स्टैंड ले रहा है उसका सपोर्ट करो। वैसे भी हमारे हिंदुस्तानी आधे मरे हुए हैं, मैंने देख लिया, हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी का भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट करना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जिनको भारत देश में डर लगता है। बाकी बहुत सारी बातें जो कि मैं बाद में भी करूंगा, बट आज मेरी यही एक छोटी सी वीडियो थी कि प्लीज पायल रोहतगी जी को, और ऐसा कोई भी यूट्यूबर है जो आपको लगता है कि अपने धर्म के लिए खड़ा हो रहा है, अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रहा है, उसको सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।